दिखाते ये जान भी रहा दे, ऐ देश तेरी खाते ये जान भी रहा दे, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खाते ये जान भी हाजिर। आगोश में तेरे ही चटकी है हर जवानी, बिजली सी जिसमें शोखी, लहरों सी एक रवानी, ऊंचे हिमालय जैसा परमान भी हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी हाजिर, देश तेरी खातिर ये जान भी हाजिर। तीन तरफ से जोरदार हमला इस टुकड़ी के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अच्छी भली मोर्चाबंदी होने के बावजूद बाई तरफ की पहाड़ियों पर दुश्मन ऐसी जगहों तक पहुंच गया कि उसे इन जवानों को अपना निशाना बनाने में काफी बढ़तरी हासिल हो गई। उधर मोहरा के पास झूला ब्रिज को बेकार करने से पहले कुछ दुश्मन दरिया पार कर इस तरफ आ निकला था, जिससे चारों तरफ से घिर जाने का खतरा और बढ़ गया। तभी एक गोली ज्वाला सिंह को छू गई। क्या हुआ? सर कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। नुकसान काफी हो जाता है। नुकसान तो दुश्मन का हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन कम संख्या में होने के कारण हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ सर, फिर क्या किया जाए? सर एक और विड्रॉल, नहीं तो दुश्मन हमें आज रात यहां से नहीं निकलने देगा। मैं सोच रहा हूं कि अगर हम रामपुर के आसपास किसी तरह डिफेंस कायम कर सके तो दुश्मन को एक दिन के लिए और रोका जा सकता है। फिर तो वहां से बारामूला भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है कुछ कुमक और आ जाए। तो फिर बजाय इसके हम ही फंस जाए, जितनी जल्दी हो सके हमें मिटा करना चाहिए सर। हाँ, लेकिन दुश्मन को इस बात का पता न चले, मेरे ख्याल से थोड़ा अंधेरा हो जाने दीजिए। पता नहीं हमारे जवानों को कितनी देर और इस हालत में ही लड़ना पड़ेगा। साहब साहब, हमारी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है। कप्तान नसीर सिंह साहब भी जख्मी हो चुके हैं सर। क्या? खैर फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी? ये बहुत मामूली जख्म है सर, इन पहाड़ियों और खासकर दरिया पार से आने वाला पैर बहुत नुकसान कर रहा है। हमारे कुछ जवान और अहदेदार जख्मी हो गए हैं सर। घबराइए नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ। आप ऐसा करिए, जवानों से कहिए कि वो विड्रॉल के लिए तैयार रहे, और हाँ, शदीद जख्मियों और डेड बॉडीज को दो अलग अलग गाड़ियों में लोड करके श्रीनगर के लिए रवाना कर दें। और हाँ, नसीब सिंह साहब को भी उन्हीं के साथ चले जाना चाहिए। जी साहब। दोनों गाड़ियों में प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, जो सिर्फ बारामूला तक साथ जाएगी और वहां से वापस रामपुर आ जाएगी। क्यों ज्वाला सिंह साहब, ठीक है ना ये? हाँ सर, जब नफरी काम होने लगे तो अपने साथ खाली गाड़ी रखने का फायदा ही क्या है सर। सुबेदार साहब यहाँ आइए, जमेदार साहब आपको जैसा कहा जाए वैसा कीजिए, और थोड़ी ही देर में हम लोग विड्रॉल शुरू कर देंगे। सुबेदार साहब आप भी इनके साथ जाइए। ओके साहब, जाइए। सर सर, ऐसी हालत में वो हमें विड्रॉल करने देंगे कि नहीं सर? जरूर करने देंगे ज्वाला सिंह साहब, हमने इन कारगर झड़पों के बाद देखा है कि दुश्मन भी रात को आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है। हमें सिर्फ यहां एक मजबूत सेक्शन और कुछ हथियार छोड़ने होंगे,
जो तीनों तरफ से रात भर दुश्मन को एंगेज रखेंगे और सुबह होते ही विड्रॉल करके गाड़ियों में बैठकर हमारे पास आ जाएंगे। दुश्मन के पास गाड़ियां नहीं है, इसलिए हमें विड्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर। रामपुर के पास ब्रिगेडियर साहब अफसर और जेसीओस को नई मोर्चाबंदी समझाने लगे। खजान सर, एक एमएमजी यहां है सर। और एक एमएमजी यहां इस जगह सर, और एक 2 इंच का मार्टर वहां पर। ठीक है सर। एक सेक्शन पहाड़ी की आड़ लेती सड़क के उस मोड़ पर। और एक सेक्शन चट्टानों की आड़ में वहां दरिया के किनारे। ठीक है सर। और यही सेक्शन उस सामने वाली पहली सेक्शन की ऊपर वाली पहाड़ी पर भी निगाह रखेगी। राइट सर। अगर मुमकिन हुआ तो 2 इंच का मार्टर इनके साथ भी लगा देंगे। और यही मार्टर दरिया पार का इलाका भी कवर करेगा। बिल्कुल ठीक सर। बाकी सब लोग उसी तरह ओ ग्रुप और रियर गार्ड में। ज्वाला सिंह सर, ओ ग्रुप और रियर गार्ड को आप देखेंगे। राइट सर। और ध्यान रहे कि मार्टर की डायरेक्शन दुश्मन की नकलो हरकत के मुताबिक एडजस्ट होती रहे। राइट सर। मुझे इस बात का भी एहसास है कि जवानों ने रात भर से कुछ खाया नहीं है, लेकिन इसकी फुर्सत ही कहां मिली है। खजान सर, आप देख लें कि कोई खाने पीने का अगर बंदोबस्त हो सके तो यह जिम्मेदारी आपकी। ठीक है सर। जवानों को यह एहसास ना हो कि हमें उनकी फिक्र नहीं है। आप हमारी फिक्र मत करें सर, यहां आप वही हम। गुड। ज्वाला सिंह राइट सर, मैंने कहा था ना कि दुश्मन भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन दुश्मन है कि बिल्कुल हमारी नजर से बाहर। तो मुंशी राम जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? बी ब्रेव। बस 1-2 दिन की और बात है, हिम्मत रखिए। जी सर। हौसले से काम लीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग काफी थक चुके हैं।
सर, लगता है हमारी वो सेक्शन वहां से निकल आई है। गुड। मुझे तो पहले से ही पूरा यकीन था कि ये लोग बच निकलेंगे। खजान सिंह, हमारी 6 कैजुअल्टी हो गए हैं, 2 मर गए हैं, 4 जख्मी हैं, जख्मी में से 2 सीरियस हैं सर। आप तो ठीक है ना? मैं समझता हूं कि आप लोगों को और फोर्स की जरूरत है, लेकिन यही तो आप लोगों की बहादुरी है कि हम पिछले 3 दिनों से इतने भारी दुश्मन को इस एरिया में उलझाए हुए हैं। आप नहीं जानते साहब किस छोटे से कंटिंजेंट का हर एक सिपाही, ओहदेदार, अफसर अपने खून से ऐसा इतिहास लिख रहा है जो रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकेगा। देखिए, आप लोगों को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। खजान सर, आप इन लोगों के साथ जाइए। राइट सर। चलिए। और हां सर, ये जो गाड़ी इनके साथ आई है, जख्मियों और डेड बॉडीज को लेकर श्रीनगर जा सकती है। राइट सर। और अगर यहां पे कोई जख्मी परेशान हो तो उसे भी लेकर चली जाए। ओके सर। दिन की और बात है जमादार साहब। दोपहर होने तक एक और हमला हुआ। हो गई है। हाँ, पता नहीं कैसे दुश्मन हमारे पीछे पहुंच चुका है। ऐसा करिए, ओ ग्रुप से कुछ और जवान लेकर पीछे वाले सेक्शन की कवरिंग में पूरी फोर्स के साथ फायर कीजिए। जाइए। देखिए, हमें अभी ये रास्ता खुला रखना है। आप लोग यहां ठहरिए, मैं अपने हिसाब से मार्टर का फायर करवाता हूं। Thank you.
देखो दुश्मन हमारे रियर में पहुंच चुका है। लेकिन हमारे बहुत से जवान का जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस समय हमें जख्मों से ज्यादा अपनी जान और हिम्मत को देखना है। अब ऐसा करो, उधर का क्या हाल है? सर अभी तक तो ठीक है, उनका काफी जानी नुकसान हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये जगह अब हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आप ऐसा करो सर, सभी सेक्शन को ऑर्डर पास ऑन कर दो कि टैक्टिकल विड्रॉल करते हुए बुनियाद मंदिर के पास पहुंचे। राइट सर, हमें हर हालत में दुश्मन को अपने फ्रंट में रखना है। खजान, एक और विड्रॉल की जरूरत है, एक कीमती दिन और बच सकता है। खजान, आप चाहिए ओके सर, और मैसेज पास ऑन कीजिए सर, और देखिए सभी लोग गाड़ियां निकाल ले जाएं। ओके सर, हिम्मत से काम लीजिए। देखिए एक आध और घंटे की बात है। देखिए सुबेदार साहब, आप मोटर को इस डायरेक्शन में चेंज कीजिए, और टारगेट वो सामने वाली टेकरी। हाँ शाबाश, आप लोग यहां फायरिंग कीजिए, मैं अपने हिसाब से मोटर का फायर करवाता हूं। वक्त ब्रिगेडियर साहब अफसर और जेसीओ के साथ हंगामी मीटिंग में मसरूफ हो गए। ज्वाला सिंह साहब सर, अब भी बैठिए। थैंक यू सर। खजान सिंह, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए भाई। ज्वाला सिंह साहब, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी
दुश्मन ने हमें रामपुर की तरह फिर से घेर लिया है। बिल्कुल सर, और सुबह होते होते ही वो यकीनन हम पर हमला भी कर देगा। इस नाकाबंदी से बच निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्या ख्याल है आपका? सही ख्याल है आपका सर, बिल्कुल सही ख्याल है। इसीलिए मैं ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ हूं कि हमें रात का फायदा उठाते हुए दुश्मन के इस घेरे को तोड़ना होगा। हाँ, ऐसा करते हुए हम लोग एम्बुश तो होंगे ही, लेकिन ये तभी पता चलेगा कि दुश्मन ने कितनी जगहों पर रोड ब्लॉक कर रखा है, और जो हम में से थोड़े बहुत बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो कल बारामूला के आसपास एक और डिफेंस लगाया जा सकता है। मैं तो हैरान हूं सर, अभी तक कहीं भी इंडियन आर्मी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा सर। जब तक एक्सेशन की बात फाइनल नहीं होती, इंडियन आर्मी कभी भी नहीं आएगी। और फिर पंडित जी के साथ महाराजा बहादुर के संबंधों का तो आपको पता ही है ना? लेकिन सर, इस वक्त अगर दुश्मन श्रीनगर में दाखिल हो जाता है तो एक्सेशन किस काम का? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर बारामूला के आसपास एक और डिफेंस लगाया जाए तो एक कीमती दिन और बच सकता है। ठीक है सर, अब और वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें जितनी जल्दी हो यहां से निकल चलना चाहिए सर। मैं समझता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे जख्मी हैं, खाना नहीं, कई दिनों से नींद नहीं, थकावट से चूर चूर, और जवानों के साथ साथ अम्निशन बिखरता जा रहा है, और दुश्मन वो हमारी गर्दन पर। कोई फिक्र नहीं साहेब, आप हुक्म कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। गुड। तेरी खातिर ये जान भी रखा दे, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी रखा दे, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, देश तेरी खातिर ये जान भी रखा दे। जहां वादों के फसाने कहती चले हवाएं, गैरत पिशाए मिट्टी, कुर्बान क्यों न जाए, सीने में हर मचलता तूफान भी हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी हाजिर। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा।